हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ DRC की तरफ से। बहुत सारे वैकेंसीज लेके इस बार के रिक्रूटमेंट ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले DIC और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की तरफ से, जहाँ पर एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द एप्लीकेशन लिंक। यू कैन फाइंड द एप्लीकेशन लिंक एंड इट सबमिटेड योर एप्लीकेशन फ्रॉम देयर। 19 मई 2023 में पब्लिश हुआ है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें क्लियरली कुछ वैकेंसीज लेके आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसीज के। तो इंजीनियरिंग हेड, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, कैंपेन मैनेजर, क्वालिटी एनालाइज लीडर, ANC लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी इवैल्यूएटर। इसके साथ यहाँ पे है ट्रेनर, सीनियर कंसल्टेंट, डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, क्लाउड आर्किटेक्ट, टेक राइटर, कंसल्टेंट, फुल स्टॉक डेवलपर एंड हेल्प टेक्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे 16 ऑफ वैकेंसीज निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड ये जो रिक्रूटमेंट है ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एंड सेम एलिजिबल कर होने वाला है यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए। अभी बात करने वाला हूँ इन सारे पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग हेड के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको BE, BTEC, MCA और ग्रेजुएशन इन रिक्रूटमेंट टेक्निकल स्किल के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ जब नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द सेकेंड पोस्ट इज़ कॉन्टेंट स्ट्रेटजीज, जहाँ पे आप एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर चाहिए। कैंपेन मैनेजर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए बैचलर डिग्री इन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी एनालाइज्ड लीडर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए BE, BTEC, MCA क्वालिफिकेशन चाहिए। इस तरह से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वैकेंसीज है, ANC लीडर और भी बहुत सारे पोस्ट है जहाँ पे बैचलर, BTEC इन तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड में। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे इन सारे पोस्ट के जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग चेकआउट कर लेना। ऑफिशियल एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए मैं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की ऑफिशियल जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन पास इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के बात किया हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन करने के साथ लगेगा, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, कास्ट प्रूफ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा DIC डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पर जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस सब कुछ आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। देखिए आपको फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करके सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो आज के लिए यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।